हेलो दोस्तों, दिस इज एम कुमार फ्रॉम केपीएस दैट इज लॉग फोटो शॉप। वंस अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस नए ब्रांड न्यू एपिसोड केपीएस दैट इज नो फोटोशॉप। ये हमारा फोटोशॉप ट्यूटोरियल एक कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों को एक बेहतर टेक्निक सिखा सकें हम लोग कि फोटोशॉप में कुछ अच्छे इमेजेस को किस तरह से ग्राफिक्स में तब्दील कर सकें, या फिर ग्राफिक्स को किस तरह से बेहतर इन्हेंस मोड में डाल करके अपने जो कैलिबर है उसको आपको दिखा सकें और समझा सकें। तो कुछ टेक्निक्स बेसिकली होते हैं फोटोशॉप में, जो कि जो हमारे न्यू कमर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे नए दर्शक होते हैं उनको पता नहीं होता है। तो हम उनको छोटे छोटे जो या फिर सिंपल कहें, सिंपल तरीके से उनको हम सिखाने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने कैलिबर में इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो फिर देर क्यों, आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और वो कुछ ऐसा जो कि आप रेगुलर बेसिस पे या फिर किसी दूसरे जो बच्चे हैं उनको सिखा सकते हैं। कुछ भी ग्राफिक्स या फिर कुछ डिज़ाइन पेज, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को अट्रैक्ट कर सकती हैं, जो कुछ कार्टून टाइप के इमेजेस होते हैं, उस टाइप के जो वर्क होते हैं वे आप इजीली कर सकते हैं। तो हम आज कुछ इस तरह का डिज़ाइन करने वाले हैं जो कि चाइल्ड ओरिएंटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमारे पेज पर बने रहें और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हम लोग अपने जी ट्यूटोरियल्स को हमेशा आप तक अच्छी तरह से पहुँचाते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ वंस अगेन और हम लोग अपने स्क्रीन पर आएंगे। ये रही आपकी स्क्रीन। इस स्क्रीन में हम लोगों ने जो काम करेंगे उसको, वो कुछ ईजी स्टेप्स होंगे, कुछ अच्छे जो डिज़ाइंस होंगे उनको हम लोग आज उतारने की कोशिश करते हैं जो कि बच्चों के लिए खासकर बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ गूगल से इमेज ले लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको जैसा बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में AI दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने थोड़ा सा क्लास दिया था कि आर्टिफिशियल AI दैट इज़ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग किसी इमेज को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि AI जो होता है कुछ ऐसे टूल्स इस्तेमाल करता है जो कि आप उनको इमीडिएट या फिर इंस्टेंट बोल सकते हैं रिस्पॉन्स में आप उन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने फोटोशॉप में ला सकते हैं। जस्ट लाइक हेयर कटिंग हुआ या फिर बैकग्राउंड रिमूवर हुआ, वे सब सारी चीज़ें आपको इमीडिएट हो जाएंगी। बट दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर होता क्या है कि AI आपको इमीडिएट करके तो दे तो देता है, लेकिन आपको जो वो जो हम लोग यहाँ सिखाते हैं, जो हम लोग समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप, दैट इज़ पेन टूल्स का इस्तेमाल कैसे होता है या फिर किसी भी हमारे जो फोटोशॉप जो टूल पैनल जो है उसमें कितने सारे जो एक एक करके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके यूजर्स क्या हैं, वो हम आपको बेहतर तरीके से बताते हैं और बहुत बारीकी से बताते हैं ताकि आप फोटोशॉप को इजी तरीके से समझ सकें। तो ठीक है, AI जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं वो आपको हम आपको यहीं पर देते हैं जो कि आप फोटोशॉप को सीखने में काफ़ी कारगर साबित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना पेज रेडी कर लिया है। ये आप, चलिए मैं गूगल खोलता हूँ। दिस इज माई पेज गूगल। चलिए दिस इज माई गूगल पेज। सबसे पहले जस्ट इमेजिन कि हमें बनाना क्या है। ठीक है, आपको बनाना क्या है सबसे बड़ी बात, और आपको वो इमेज को जस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनाना है हमें, कुछ मैदान हो, कुछ ग्रास हो, स्काई हो, ठीक है, कुछ एनिमल्स हो, अच्छा इसके बाद कुछ उसका छोटा मोटा घर हो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ों को हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्रीन फील्ड लेते हैं, ग्रीन मैदान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अब मेरी स्क्रीन पर आ जाइए, ग्रीन इमेज, ठीक है, ये रहा हमारी ग्रीन फील्ड के इमेजेस। अब इसमें आपको जस्टिफाई करना है कि विच इमेज इज वेरी बेस्ट। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि हम सबसे पहले एक बेहतर इमेज को सिलेक्ट करें हम। चलिए इस इमेज को हमने सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल सी करके, या फिर आप फाइल सेव कर सकते हैं, या फिर जस्ट कॉपी इमेज। इसके बाद इमेज में आएंगे हम, कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन मीन्स क्या होता है, टू टेकिंग टू हैविंग ए न्यू फाइल, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसको मैं कैंसिल करता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ से फाइल न्यू, यहाँ देखिएगा आप जो न्यू फाइल आती है यहाँ पर आप लिख लीजिए कि वर्क, आप विथ को इंचेस करिए, इसको हाइट को 10 करिए, सॉरी विथ को 15 करिए, हाइट को 10 करिए, रेजोल्यूशन आप 300 रखिए, ठीक है। और जो इमेज है, सॉरी बैकग्राउंड जो है उसको वाइट रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड कलर जो बैकग्राउंड आपका यहाँ पर सिलेक्टेड है वो आपको कलर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हियर वी आर, हमारे पास पेज रेडी हो गया है, ठीक है। ये हमारा पेज वाइट मोड में है। हमने गूगल से एक इमेज को कॉपी किया हुआ है, इमेज कॉपी, यहाँ पर हम कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोल टी करके हम इमेज को ऑल्ट शिफ्ट करके होल्ड करके इस तरह से हमने इमेज को एक्सपेंड कर लिया है और हमने एंटर कर दिया है, ठीक है। अब एक 10-15 साइज में हमने एक इमेज को फिट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको लगता कि ये जो है स्काई जो है आपको पसंद नहीं है, यहां से आप इसको चलिए इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, कंट्रोल एंटर। इसके बाद इमेज या फिर सेलेक्ट मॉडिफाई, फेदर देना ना भूलें दोस्तों, ठीक है, फेदर दे दिए दो, उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और इसके अगर बैकग्राउंड को मैं बंद कर दूंगा तो देखिएगा पिक्सल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों वंस अगेन मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं या फिर ये मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई फोटोशॉप की डेफिनेशन क्या होती है वो कभी थोड़ा बहुत बता दिया करो, तो ठीक है दोस्तों, या इट्स अ वेरी मतलब बिग क्वेश्चन, मैं छोटा तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बिकॉज फोटोशॉप एक्चुअली होता क्या है कि जानने को तो सभी जानते हैं, बट एक्चुअली इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। एक्चुअली फोटोशॉप इज एन इमेजिंग इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर विच इज बेस्ड ऑन पिक्सल्स एक्चुअली। सो आप स्क्रीन पर देखिएगा कि जो छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं ना, इन सारे के सारे बॉक्स में छोटे छोटे कलर्स को फिल करके इमेज को तैयार करने का सिस्टम है ये, ठीक है। तो फोटोशॉप इज एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, बेस्ड ऑन पिक्सल्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये आप जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक जो जो घर बनता है ना घर, उस पर छोटे छोटे जो ब्रिक्स लगा करके आप घर को प्रिपेयर करते हैं, एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि वो उस तरह से वो छोटे छोटे जो पिक्सल्स होते हैं उसी तरह से इमेज को बना करके हम लोग इमेज में पुट करके अलग अलग कलर को तरह तरह के कलर्स को फिल करके हम इमेज को रेडी करते हैं, फिर ग्राफिक्स को रेडी करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डेफिनेशन आपको समझने में बता दिया हूँ, और भी अगर आपको
फोटोशॉप की जानकारी चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर की जानकारी चाहिए कि क्या डिफिनेशन क्या होता है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बैक टू द स्क्रीन। ये रहा आपका फील्ड मिल गया है, उसके बाद आपने हम यहाँ पर हम वाइट बैकग्राउंड दे सकते हैं। अब अगर हम आपको कुछ स्काई का शॉट लेना चाहें तो ठीक है, चलिए यहाँ से हम स्काई लिखते हैं। मैंने जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि हम लोग गूगल से इमेज कलेक्ट करके कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्काई आप चाहे तो यहाँ पर पीएनजी भी लिख सकते हैं, स्काई पीएनजी। ये देखिएगा आपके पास पीएनजी स्काई मिल जाएंगे। स्काई पीएनजी इमेजेस, चलिए अच्छा ये रहे आपके इतने सारे इमेजेस हैं, आप जिसको चाहे उसको ले सकते हैं। जैसे इस इमेज को हम लेते हैं, राइट क्लिक, चलिए अच्छा यहाँ से नहीं लिया, हम काम करते हैं यहाँ से डाउनलोड से हम लेने की कोशिश करते हैं। डाउनलोड, ये रहा स्काई, ठीक है। चलिए यहाँ से हम स्काई को इसके अंदर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखिए यहाँ से इस तरह से हम, ये रहा आपका, इसके कंट्रोल जे करके आप डुप्लीकेट कर सकते हैं इसके, यहाँ से इसको ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है तो एक काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इरेजर टूल जो कि मेरा फेवरेट है, यहाँ से ओपेसिटी 100% है, ओपेसिटी को हम लोग रिड्यूस करके लाइक 20-30 रख देंगे बोथ फ्लो को भी। इसके बाद यहाँ पर हम हल्का सा इस तरह से हम ड्रैग कर देते हैं, इरेज कर लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक उसमें मैच हो जाएगा लाइक दिस, क्योंकि वो जो कट मार्क है उसको वो मैनेज कर लिया है। इसको भी कर लेते उसी तरह से, चलिए। तो हमने एक ग्रास के ऊपर में हमने एक स्काई को रेडी कर लिया है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग गूगल में अगेन आते हैं, यहाँ पर BIRDS बर्ड्स PNG उठाते हैं इसको। तो ये जो आप देखें कि यहाँ पर जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं लाइक दिस, इनको हम यहाँ से जस्ट कंट्रोल या फिर कॉपी करते हैं, इमेज कॉपी, इसके बाद यहाँ पर यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद क्या है, हम इसको कंट्रोल टी करके हम बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ में है, तो आप इसको जस्ट एक काम करते हैं, इसको ब्लेंड कर लेते हैं, इसको हम ऊपर में टॉप में रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने इमेज को ब्लेंड करके हम यहाँ पर इसको इजी तरीके से हम लोग एक विद अ सिंगल स्टेप हमने इमेज को ब्लेंड करके स्काई के ऊपर रख दिया है। आप चाहें तो इसको अभी मल्टीपल कर सकते हैं, लाइक डूइंग कंट्रोल टी करके इसको एंटर किया मैंने, इसके बाद यहाँ से कंट्रोल जे कर लिया, इसके बाद यहाँ पर इसको मूव कर लीजिए, राइट क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। तो इस तरह से आप यहां से एक एक्स्ट्रा इमेज को एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर कुछ और एडिशनल क्या चीज दी जा सकती है, चलिए एग्जांपल के तौर पे हम यहां पर ट्री लेते हैं, ट्री ट्री पीएनजी। तो ये इतने सारे आपके पास इमेजेस मिल गए हैं, मैं इसको लेने की कोशिश करता हूं, कॉपी इमेज यहां पर पेस्ट किया मैंने। अब आप देखिएगा कि यहां पर वो जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ आया है, ठीक है। एक काम करिए, अगेन आप
चाहे तो वाइट बैकग्राउंड को हटा सकते हैं या फिर यहाँ से सिंपली ब्लेंड करके आप इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली. नो आई डिड नॉट नो कि इतना जल्दी आपको आपकी स्क्रीन के सामने फिट हो जाएगा. वंस अगेन मैं आपको इसको दिखा दूं कि हमने ये इमेज लिया था और उसके बाद हमने यहाँ से जस्ट इस इमेज को हमने ब्लेंड किया है. ब्लेंड करने के बाद हमारा इमेज इस तरह का हो गया है. तो आप देखिए कि एक इमेज स्टेप बाय स्टेप एक अलग सी तस्वीर बनती जा रही है जो कि इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास कंसेप्ट होगा, अगर आपके पास आपने जो कैलकुलेशन कर लिया है कि आई हैव टू मेक द इमेज लाइक दिस एक्चुअली, ठीक है, तो आप उस तरह के इमेजेस को यहाँ पर अपने कैनवस पर या फिर अपने स्क्रीन पर इजिली उतार सकते हो. बस सवाल सिर्फ इतना हो जाता है कि आपको वो चीज़ें क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं. तो सबसे पहली बात हमारा क्या है कि हम लोग टारगेट ये करते हैं, हम अपने ट्यूटोरियल्स में एक्चुअली टारगेट ये करते हैं कि हम अपने जो व्यूवर्स हैं, अपने जो दर्शक हैं, उनको जो हम किस तरह से ये जो छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं या फिर छोटे छोटे तरीके हैं किस तरह से आप डिलीवर करें ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कई बार इंस्टीट्यूट से कॉल भी आते हैं, ठीक है, कि हम अपने बच्चों को किस तरह से ये जो बेसिक चीज़ें फोटोशॉप के कैसे सिखाएं, तो हम हमेशा उनको यही बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि जो बच्चों को किस तरह से जो बेसिक टूल्स होते हैं ना, बेसिक टूल्स को समझाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन फोटोशॉप एक्चुअली. वहाँ क्या होता है कि बच्चे जो हैं कई बार मिस आउट कर जाते हैं कि भाई ये स्टेप कैसे होगा, वो स्टेप कैसे होगा. तो हम लोग क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को बार बार रिपीट करके हम लोग एक स्टेप को हम लोग बार बार करते हैं ताकि वे चीज़ें आपको फ्लो में बनी रहें, ताकि उन सब जो शॉर्टकट्स हैं वहाँ से आप इजी तरीके से फोटोशॉप में अपने इमेज को एडिट कर सकें. ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं, जस्ट कलेक्ट फ्रॉम गूगल. यहाँ पर हम गूगल से एक घर लेते हैं, जस्ट लाइक हट लेते हैं पीएनजी. कुछ बेहतर इमेज लीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे. चलिए इसको उठाते हैं, ये रहा हमारा इमेज, कॉपी इमेज. इसके बाद चलिए आइए यहाँ पर आप जस्ट पेस्ट करिए उस इमेज को. ठीक है, अब चाहें तो इसको वाइट बैकग्राउंड को आराम से हटा सकते हैं मैजिक वैंड के साथ. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है वाइट पोर्शन बचा हुआ है. ठीक है, आप इसको वाइट को शिफ्ट सेलेक्ट करके हटा सकते हैं. बट दोस्तों आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, अगर मैं इसको अगर इस तरह से करके अगर वन स्टेप में अगर मैं इसको ब्लेंड कर देता, तो शायद बेहतर होता, बट शायद वो ले नहीं रहा है. ठीक है, नहीं लिया. ठीक है, एक काम करिए, आई विल गो विथ मैजिक वैंड. चलिए ये रहा, मैंने डिलीट कर दिया. उसके बाद इसको डिलीट करिए, डिलीट. ठीक है, कुछ एक व्हाइट बैकग्राउंड है उसको बाद में हम कर देंगे या फिर कर ही लेते हैं. तो
तो आप बोलिएगा कि करके दिखाया नहीं मैंने। चलिए ये रहा, ये रहा। जितने वाइट बैकग्राउंड्स हैं इसको आप हटा लीजिए इस तरह से। चलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ड्रीम टाइम लिखा, ड्रीम्स टाइम लिखा हुआ, उसको हम किस तरह से हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक ऑप्शन होता है जो कि फिल्टर है, फिल्टर ब्लर स्मार्ट ब्लर। स्मार्ट ब्लर को हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमम करके रखेंगे ताकि वो इमेज हट जाए। ठीक है, कंप्लीटेड। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कुछ किया है कि ये जो अब देखिए कि फोटोशॉप में हमने इमेज को थोड़ा छोटा किया है। क्यों? क्योंकि क्या है कि आपका जो घर है सामने में रखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो इसको एक बार कंट्रोल जे करके छोटा करके उसके पीछे में भी एकदम छोटा कर दीजिए ताकि वो इस तरह से यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो हमने एक इमेज को दो अलग अलग साइज में दो अलग अलग तरीके से रखा है। कंट्रोल टी करके इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं तो उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका। इसके बाद अगेन आप आइए गूगल में, आइए गूगल में आकर के हम कुछ पीएनजी एनिमल्स लेते हैं, राइट। पीएनजी एनिमल्स जैसे कुछ जैसे इसको उठा लीजिए आप, एक काऊ है। और बेसिकली ये सब इस जगह ये सारी जगहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको जस्ट फिल कर देते हैं और बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये रहा आपका। इसके बाद आप इसको जस्ट यहां से ब्लेंड करके देखिए क्या होता है। नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव माई ओन टूल, दैट इज माई मैजिक वेंच। अब इसको यहां से टॉलरेंस को कम करके आप वाइट का जो प्रेशर है कम कर सकते हैं। ये रहा आपका, डिलीट कर दिया। ठीक है, छोटा सा ट्रिक, ज्यादा बड़ा नहीं। क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बैठा तो उसके नीचे एक हल्का सा शैडो रहता है, ठीक है। तो हम उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल जैसा कि हम लोग हमेशा अपने चैप्टर्स में करते रहते हैं, यहां से आप कुछ इस तरह से ड्रैग कर लीजिए। इसके बाद एक न्यू लेयर ले लीजिए, इसके बाद इसको आप फिल कर दिए विद ब्लैक कलर कंट्रोल डी करके, ठीक है। एंड अगेन सेलेक्ट ब्लर, ब्लर करके आप इसको गॉशियन ब्लर को ज़्यादा अमाउंट में फिल कर दिए लाइक दिस। इसके बाद इसको आप ओके कर लेते हैं। इसको हम गाय के नीचे वाले लेयर में डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसको प्रेशर ज़्यादा करना है तो कंट्रोल जी करके आप इस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब गाय को थोड़ा सा ऐसे मूव कर लीजिए। इस तरह से आप इमेज को मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर भी एक हल्का सा ब्लैक ला सकते हैं घर के नीचे, तो वो आपका ऐसा फील होगा कि उसके नीचे कुछ शैडो पड़े हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस।
प्रेशर और बढ़ाने की कंट्रोल जी करके क्लियर बढ़ा लीजिए, तो आप यहाँ पर इमेज को इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इमेज आपके पास में है, जस्ट आपको कंसेप्ट को रखना है कि इमेज को कहाँ पर पुट करने से हमारा इमेज रेडी होगा। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा बैकग्राउंड को रेडी किया है, आप देख सकते हैं इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली, इट इज मेड फॉर चिल्ड्रन एक्चुअली। तो यहाँ पर आप इस तरह के जो छोटे मोटे इमेज जो है आप बना सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो फिर मेरा बोलने का मतलब है कि अपने बच्चों को इस तरह से कि इमेज सिखाइए, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके कुछ नया इमेज को क्रिएट करिए। इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज या फिर क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, अगले क्लास के लिए हमें कुछ नया प्लानिंग करते हैं। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे जो पेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम लोग और भी अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको बेहतर कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जो हमारे जितने जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वे जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें देखते हैं, उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि वे हमें इस तरह का पॉइंट्स देते हैं कि हम उनको उनके जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के जो है इन्फॉर्मेशन हमें देते रहे कि भाई क्वेश्चंस करते रहे कि हम क्या करें जिससे उनके जो नॉलेज है या फिर स्किल्स है वे बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के लिए हम इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत जल्दी आपको पास दोबारा मिलेंगे। तो फिर सब्सक्राइब करें या फिर हमें देखते रहें, फॉलो करिए। एनीवेज जय हिंद, थैंक यू सो मच।